कोसी महासेतु के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और कहा कि जिन लोगों ने किसान बिल को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, अब उसी पर राजनीति कर रहे हैं। बिहार में 86 साल का सपना हुआ पूरा। पीएम मोदी ने 516 करोड़ रुपए की लागत से बनी कोसी महासेतु योजना का उद्घाटन किया। सीधा रेल मार्ग से जुड़ा कोसी क्षेत्र और मिथिलांचल। विरोध के बीच लोकसभा में किसानों से जुड़े दो बिल पास। पीएम मोदी ने किसानों के लिए ऐतिहासिक बताया। किसानों को भ्रमित करने में लगी है कई शक्तियां। कृषि बिल के विरोध में हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। कांग्रेस ने इस्तीफे को बताया पॉलिटिकल ड्रामा। बिहार में आरजेडी की राजनीति पर बीजेपी ने उठाए सवाल। संबित पात्रा ने कहा, आरजेडी में केवल विरासत के बंटवारे की लड़ाई, नीतीश के काम का मुकाबला नहीं। यूपी में रोजगार को लेकर सीएम योगी की बड़ी पहल। सीएम ने सभी विभागों से तुरंत मांगा खाली पदों का ब्यौरा। 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांटने के निर्देश। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की मुंबई यूनिट ने बॉलीवुड के एक वायरल वीडियो की जांच शुरू की है। एनसीबी पहले वीडियो की सत्यता की जांच करेगी। करण जौहर के खिलाफ मनजिंदर सिंह सिरसा की शिकायत पर जांच शुरू की गई। दिशा सालियान की आखिरी कॉल को लेकर मुंबई पुलिस का बयान। दिशा सालियान ने आखिरी कॉल अपनी दोस्त अंकिता को की। 100 नंबर पर नहीं की गई थी आखिरी कॉल। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के करीब 100 कंप्यूटर पर साइबर अटैक। बेंगलुरु की एक कंपनी ने लिंक भेजकर किया साइबर हमला। एलएसी पर तनाव के बीच एलओसी दौरे पर गए आर्मी चीफ नरवणे। पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा का लिया जायजा। उपराज्यपाल से भी मुलाकात। भारत के खिलाफ हाफिज ने बनाया प्लान। गेम्स ऐप के बहाने रची बड़ी साजिश। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के लिए 45 शहरों में खोले दफ्तर। जबलपुर में 155 mm सारंग गन की टेस्टिंग हुई सफल। 39 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है सारंग गन। सेना की सतर्कता से टला पुलवामा जैसा आतंकी हमला। हाईवे के पास मिला 52 किलो विस्फोटक जब्त। 50 डेटोनेटर भी बरामद। देश में कोरोना का आंकड़ा 52 लाख के पार। 24 घंटे में आए 96,424 नए मामले। एक दिन में 1,174 लोगों की मौत। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। लोगों को मास्क लगाना जरूरी है और धारा 144 के चलते कोई भी बिना कारण घर से बाहर नहीं निकल सकता। डीएमआरसी मेट्रो फेज 4 में सिल्वर लाइन मेट्रो चलाएगी। तुगलकाबाद से एरो सिटी के बीच बन रहा है कॉरिडोर। बिहार में एक और पुल उद्घाटन से पहले बह गया। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 1,42,00,000 रुपए की लागत से बने पुल जो है वो बह गया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी इसका दोष विपक्ष या प्रकृति में किसे देंगे। किसानों से जुड़े दो बिल पास होने पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का बयान। ट्वीट कर कहा, बिल में गंभीर कमियां हैं जिस वजह से हो रहा है विरोध। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों की रफ्तार में एक बार फिर तेजी। 3 करोड़ से ज्यादा हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना से दुनिया भर में 9,46,000 लोगों की मौत। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमितों के मामले में दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की नई चाल। अवैध रूप से कब्जा किए गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर चुनाव कराने की तैयारी में पाकिस्तान। नवंबर में होंगे गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.